नमस्कार, मैं हूं सपना और आप देख रहे हैं प्रातः दर्पण न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट 20 खबरों पर। आगरा में यमुना में नहाने गए दो बच्चे डूबे, नदी के किनारे रखे मिले कपड़े, तलाश में जुटी पुलिस। आगरा में अवैध कॉलोनी पर चला एडीए का बुलडोजर, नक्शा पास कराए बिना 5000 वर्ग मीटर में बनाई जा रही थी श्रद्धा सिटी रेजिडेंसी। आगरा में छाए बादल, आंधी और बारिश के आसार, 18 और 19 जून को तेज बारिश से तापमान में गिरावट की संभावना। आगरा में श्री जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव का होगा आयोजन, 16 से 20 जून तक चलेगी रथ यात्रा, देश विदेश के सैकड़ों श्रद्धालु होंगे शामिल। आगरा में 11वें दिन भी भूख हड़ताल पर रहे किसान, ताजमहल पर आत्मदाह के अल्टीमेटम को गुजरे 24 घंटे, एडीए पर लगा मनमानी का आरोप। आगरा में बीएड प्रवेश परीक्षा हुई संपन्न, आसान प्रश्न पत्र देख कर खिले परीक्षार्थियों के चेहरे। अंबेडकर नगर में दरोगा व सिपाही निलंबित, कार्य में लापरवाही पर एसपी ने किया सस्पेंड। 53 लाख से ज्यादा राजस्थानी शहरी ग्रामीण ओलंपिक में लेंगे हिस्सा, ग्रामीणों में कबड्डी और शहरों में क्रिकेट के लिए सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन। राजस्थान में 12वीं पास के लिए निकली वैकेंसी, 21 जुलाई तक कर सकेंगे अप्लाई, 85,500 तक मिलेगी सैलरी। तूफान बिपर्स जॉय का जयपुर में भी असर, कलेक्टर ने कल लगने वाले सभी राहत शिविर किए स्थगित। जयपुर में बिजनेसमैन ने किया किन्नर से कुकर्म, होटल में पिलाई नशीली कोल्ड ड्रिंक, अश्लील वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल। फर्जी तरीके से प्लॉटिंग करने वाला सरगना गिरफ्तार, दिल्ली से आकर मथुरा में कर रहे थे प्लॉटिंग, आरोपी पति पत्नी को किया गिरफ्तार। एमपी में विपर्स जॉय का असर, येलो अलर्ट जारी, 18 से 19 जून को राजस्थान से सटे ग्वालियर चंबल में तेज बारिश। नोएडा में किसानों का प्रदर्शन, हुई नारेबाजी, नोएडा अथॉरिटी के गेटों को किया गया बंद, हर तरफ बैरिकेडिंग। कन्या भ्रूण हत्या को रोकना हम सबकी जिम्मेदारी, बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति की बैठक में संरक्षण अधिकारी ने की अपील। फॉरेस्ट विभाग में 2138 पदों पर भर्ती, 12वीं पास युवा कर सकते हैं अप्लाई, इंडियन नेवी ने अग्निवीर के लिए मांगे आवेदन। ऑन ड्यूटी हीट स्ट्रोक से कांस्टेबल की मौत, घबराहट होने पर आधे घंटे में पी लिया 2-3 लीटर पानी। वाराणसी में रात 10:30 बजे सीएम का औचक निरीक्षण, ट्रांजिट हॉस्टल का काम पूरा न होने पर जताई नाराजगी। सीएम योगी पहुंचे वाराणसी, बाबा विश्वनाथ के किए दर्शन, भक्तों के लिए उचित व्यवस्था करने के दिए निर्देश। गुजरात में विपर्स जॉय से मची तबाही, 2 लोगों की हुई मौत, 22 लोग घायल, अब तक 94,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर किया गया शिफ्ट। दर्शकों, फटाफट में फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए प्रातः दर्पण न्यूज के साथ। नमस्कार।